अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ व्यूवर्स। और आप देख रहे हैं शाहिद टेक और मैं आपको इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और व्यूवर्स, ये है नोकिया Z2 प्लस और ये एक नया स्मार्टफोन है जो कि लॉन्च किया गया है नोकिया की जानिब से। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड का 6.0 मार्शमैलो इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, 4 GB की रैम इस्तेमाल की गई है और माइक्रो SD कार्ड का कुछ खास कंफर्म नहीं है कि अवेलेबल होगा कि नहीं। इसके साथ ही प्रोसेसर 1.77 GHz क्वाड कोर इस्तेमाल किया गया है और दीगर फीचर्स में ब्लूटूथ 4.0 और USB भी अवेलेबल है। और इसके साथ ही जो वाईफाई और हॉटस्पॉट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, GPRS का ऑप्शन भी अवेलेबल है और साथ ही 3G और 4G अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिस्प्ले में 5.5 इंचेस का इसका डिस्प्ले है और इसके साथ 4G और 5G की हमने पहले बात की कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। FM रेडियो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका अगर कैमरे की बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो बैक कैमरा है वो इस्तेमाल किया गया और इसके साथ 12 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है बहुत ही ज़बरदस्त वो इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दीगर जो सेंसर वगैरह हैं उसमें LED फ्लैश है, ऑटो फोकस है और जियो टैगिंग का ऑप्शन मौजूद है, पोनोरामा HDR, फेस ब्यूटी और वीडियो सेकेंडरी का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये था नोकिया Z2 प्लस और इसको आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने बात की नोकिया Z2 प्लस के बारे में और इसकी प्राइस का अभी तक कुछ खास कंफर्म नहीं है। जैसे ही इसकी प्राइस लॉन्च होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे और अलग से इसके दीगर जो फंक्शंस हैं वो जब आएंगे मार्केट में तो हम उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।